हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मीनाक्षी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बोलेरो जैकेट बनाई है, 5 नंबर के कृष्ण जी की है। और देखिए, आपको बहुत सुंदर लगेगी कृष्ण जी को रिझाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे इसको पहनकर। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। आप चाहें तो पूरी जैकेट एक कलर में बना सकते हैं या और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 कलर में बनाया है। यहाँ पर डोरी भी लगाई है मोती लगा के, और ईजीली आप इसको बना लोगे। ये देखिए कितनी सुंदर है, और यहाँ पर कृष्ण जी को पहनाने में भी बहुत इजी है, ओपन है। और ये देखिए, इस तरह से पहना के यहाँ से डोरी स्ट्रेच करके यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी सुंदर लग रही है पीछे से। देखिए कॉलर भी कितना सुंदर है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। जरूर आपको जरूर बनाकर, अगर आपको कॉलर ऐसे नहीं मोड़ना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको जरूर ड्रेस ये पसंद आएगी। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाते हैं। हम बोलेरो जैकेट बनाएंगे 5 नंबर के कृष्ण जी की। तो 5 नंबर कृष्ण जी की बोलेरो जैकेट बनाने के लिए हम पहले 12 चैन बना लेंगे। स्लिप स्टिच के साथ नॉट लगाई, 1 चैन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 चैन हो गई, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर हर एक क्रोश में 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 12 चैन थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से 13 डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 चैन हो गई। और यहाँ पर इसके ऊपर फिर से लाइनें से ही बनाएंगे। इसको बनाते इस तरह से बनाते हुए हमें अपनी 4 रो कंप्लीट करनी है। तो हम 1 2 3 4 4 रो इस तरह से बना लेते हैं। 13 डबल क्रोशिया के ऊपर 13 डबल क्रोशिया, फिर 13 क्रोशिया, फिर 13 क्रोशिया, इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 4 लाइनें बना ली हैं, और ये हमारे 13 डबल क्रोशिया हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर हमारे 13 यानी कि 13 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 16 चैन बनाएंगे, यानी कि 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 चैन हमारी बन चुकी हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे इधर जॉइंट कर देंगे। इधर इस तरह से, और यहाँ पर हम इस तरह से बनाते हुए आगे जाएंगे। हम यहाँ तक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर फिर से 16 चैन बनाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12, 13, 14, 15, 16. 16 चैन बन गई हैं। हम यहाँ पर फिर से इसको इधर हमने इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 3 चैन बनाई, इसी में हम 3 चैन, 3, 4, 4 चैन बना के इसी में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। अब हम 1 स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसको स्किप करेंगे, फिर इसमें जाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से इसको स्किप करके नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, स्किप करके नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, स्किप करके नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही इसमें बनाना है, जिस तरह से हमने ये पैटर्न बनाया है यहाँ पर भी यही बनाना है, फिर इधर बनाना है, फिर इधर बनाना है। ये वाला पैटर्न इधर 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 चार सारी जगह बनाना है। यहाँ पर ये देखिए, अब हम यहाँ पर फिर से इधर स्किप करके ये 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, फिर स्किप करके फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको राउंड को पूरा कर लिया है। अब हम आप चाहें तो इसी कलर से बनाइए या फिर कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको काट देती हूँ। हम यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर। हम यहाँ पर जो हमारा जो वी शेप है, इधर हमारा वी शेप है, इसमें हम इसे अटैच करेंगे, इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चैन बनाई, 1, 2, 3, 3 स्किप करके फोर्थ वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए, 3, 4, 5, 4, ये देखिए। यहाँ पर हम अब हम इधर जो वी शेप है, इधर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर हमने 3 चैन के साथ 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये जो वी शेप है, इधर एक हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग थी तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो गैप है, ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है इसी में यहाँ से बनाएंगे। अब 1, 2, 3, 3 चैन बनाई, हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर फिर से वी शेप में हम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 3 चैन, फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, ये हमारे 5 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये देखिए 1 चैन के साथ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 चैन। अब फिर से वी शेप आ गया, यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 3 चैन हो गई, फिर से 1, 2,
3, 4। ये देखिए हमारा इस तरह से बनता जाए। फिर से वी शेप में आएंगे हम, डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1, 2, 3। फिर 3 चैन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिए, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा पैटर्न इतना कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए अब हम इसे अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसे काट लिए, नहीं काट नहीं तो इसी से नेक्स्ट वाला डिजाइन बनाइए। आप चाहें तो एक ही कलर से पूरा डिजाइन बनाइए। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको काट दिया। अब हमने यहाँ पर मोती डाले हैं, उतने ही मोती डालने हैं जितने ही यहाँ पर ये निकले हुए 1, 2, 3, 4। इस तरह से जितने भी डिज़ाइन है उतने ही आप मोती डालिए। आप नीडल की मदद से आप मोती डाल लीजिए कोन में। यहाँ पर जो हमारा कोना है हम इधर हमें कोने पे ही बनाना है। 1, 2, 3। ये देखिए 3, 4, 5, 6। 6 चैन बनाई। हम मोती लेंगे, निकाल लगा लेंगे आगे थोड़े से। हमें भी 1 मोती चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर 6 चैन बना ली है। और 6 चैन बना गई, मोती हमने इधर आगे लगा दिया और यहाँ पर 1, 2, 3, 3 चैन स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मोती को ऊपर ही रखना है। 3 चैन बनाने के बाद हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। आप मोती अपनी पसंद का कोई सा भी लगा सकते हैं, गोल्डन, वाइट, पिंक। ये देखिए 3 चैन वाला 1, 2, 3। अब ये हम यहाँ पर इधर ये जो कोना है इसके कोने में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, ये देखिए मोती इस तरफ आएगा। पर हमने डबल क्रोशिया बनाया 1, 2, 3। 3 चैन बना के ये देखिए इधर इसको इधर ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। 3 चैन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिए। फिर से एक मोती और ले लेंगे। फिर हम इधर आगे यहाँ पर देखिए अब कोने में जाएंगे फिर से डबल 1, 2, 3। 3 चैन बनाई और यहाँ पर ये देखिए इधर 1 मोती को थोड़ा सा आप इस तरह से ये देखिए इस तरह से आगे रखेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर से यहाँ पर ये जो कोना है कोने में ही बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर से एक मोती ले लेंगे।
टू। देखिए यहाँ पर थ्री फोर, ये देखिए इस तरह से बनाते हुए मोती भी लगाते। आपके आपके पास मोती है तो मोती लगाइए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इस तरह से लगाते हुए इस पूरे सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम यहाँ पर अभी से इधर से हमें फिनिश करना है, तो हम इधर कोने में इसे कट कर देते हैं। ये देखिए कट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको इस तरह से ले लेंगे। और ये जो हमारे वाले जो एक्स्ट्रा धागे हैं, हम इन्हें वहाँ से एकदम से तो स्टार्टिंग से नहीं काटते हैं, क्योंकि कभी कभी धागे खुल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें इधर एडजस्ट कर देते हैं। और ये जो धागा है इसको इधर नॉट लगा देते हैं। कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको आप काट दीजिए। आपको ये बोलेरो जैकेट कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर हाँ हैंडल लेंगे और ये इस तरह से पहना जाएगा। मेरे पास 5 नंबर किशन जी नहीं है, तो ये हम इनको इस तरह से पहनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पहन लेंगे। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से कृष्ण जी को पहनाएंगे और ये कॉलर इनका इस तरह से जाएगा। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई हो। अब हम इनके यहाँ पर डोरी भी बना लेते हैं। तो डोरी देख लिए, यहाँ पर हमें 6 मोती चाहिए। 6 मोती, पहले 3 मोती चाहिए फिर 3 मोती चाहिए। ये देखिए यहां से इस तरह से मोती ले लेंगे, चैन बनाएंगे, और आप चाहे तो इसको काट दीजिए। इस तरह से टाइट हो गया। और फिर एक और स्ट्रेच कर लीजिए, 2 चैन बनाई, और फिर से इसको बनाएंगे, मोती लगाएंगे, मोती फिर से ये देखिए 1 2, फिर से तीसरा मोती, वन टू। ये देखिए यहाँ पर अब हमें चैन बनाते जाना है। हमें इतनी लंबी चैन बनानी है, यहाँ से यहाँ तक हमें आएगी, और इतनी इतनी एक्स्ट्रा रखनी है, तो उस हिसाब से हम चैन बनाएंगे। आप अपने हिसाब से चैन बना लीजिए, कम रखनी है, बड़ी लंबी रखनी है। तो मैं चैन बनाती जा रही हूँ। ये देखिए अभी हमारी इतनी हुई है, अभी थोड़ा सा और बनाता है। ये देखिए यहां से हमें यहां से इस तरह से निकाल के, ये देखिए इतना इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है। थोड़ा सा और बनाते हैं। ये देखिए अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। आप जितना कृष्ण जी हैं उस हिसाब से आपको कम रखनी है, कम रखिए, ज्यादा रखनी है ज्यादा। अब हमें मोती लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइट कर दीजिए अच्छे से, 1 2, फिर से मोती,
वन टू फिर से मोती। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। और इसको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें किस तरह से निकालना है। ये जो है इस वाली, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में हम निकालेंगे। आराम से निकालिए क्योंकि यहाँ पर मोती भी हैं। इसको बाहर निकाल दीजिए। डोरी को हमने फ्रंट साइड में निकाल लिया। ये देखिए हमारा फ्रंट साइड है। अब ये देखिए कृष्ण जी इसको पहनेंगे इस तरह से, कॉलर इस तरह से हल्का सा मुड़ जाएगा। और यहाँ पहले यहाँ पर वन हाथ डालेगा, फिर यहाँ पर दूसरा वाला हाथ डाल के डालेंगे और फिर इसको इस तरह से करेंगे और ये डोरी को स्ट्रेच कर देंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये देखिए उनकी डोरी भी कितनी सुंदर लग रही है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। और हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।